बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका बहुत बड़ा यहाँ पे होम लोन अमाउंट होगा। जी हाँ, आप 50 लाख का यहाँ पे होम लोन लेते हो तो उसको पे करते करते आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो पैसा डबल हो जाता है। इट मीन्स कि आपने लोन तो सिर्फ 50 लाख रुपए का लिया है, लेकिन आप पूरा जब पेमेंट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 95 लाख रुपीज़ तक आप वहाँ पे बैंक को पे कर देते हो। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है और वाकई में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कैसे आप, जी हाँ, कैसे आप म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू आप अपने लोन के अमाउंट को कम कर सकते हो और उसके साथ ही साथ लोन के ड्यूरेशन को भी आप कम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई भी यहाँ पे होम लोन ले रहे हो 20 साल के लिए, तो आज के स्ट्रैटेजी के थ्रू आप 10 साल में कवर कर सकते हो। जी हाँ, 10 साल में कवर कर सकते हो। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब है। मैंने हर तरह से कैलकुलेट करके देख लिया है और तब जाके आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिजाइन और एलोकेशन कैसा होना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में हम कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं, मान लो आपने यहाँ पे 50 लाख का होम लोन लिया है। जी हाँ, आप 50 लाख का होम लोन लिया है तो आप सोच रहे हो कि 20 साल में हम पूरा पेमेंट कर देंगे। चलो कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है 7% के इंटरेस्ट रेट पे, जी हाँ 7% के इंटरेस्ट रेट पे, 20 साल का टेनियर है, और अगर 20 साल के टेनियर में हम कैलकुलेशन निकालें तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन निकल के आता है 38,765 रुपये का यहाँ पे EMI बनता है। जी हाँ, आप 20 साल तक 38,765 का यहाँ पे EMI पे करोगे, टोटल जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 43 लाख के करीब में होगा। यहाँ पे जो टोटल पैसा आपको पे करना पड़ेगा वो 93 लाख रुपीज़ के करीब में। जी हाँ, आप सिर्फ 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे 93 लाख रुपए उस डबल के राउंड पे करना पड़ रहा है। अब हम क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं? देखो, इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा कि जितना भी आपका लोन अमाउंट है, जी हाँ जितना भी आपका लोन अमाउंट है, उसका 0.25% आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि कैसे जो आप ये 20 साल का टेन्योर है इसको हम 10 साल में पे कर देंगे और काफ़ी इजी पे करेंगे। देखो, अगर आप 10 साल में इसको पे करना चाहोगे तो आपका EMI काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर हम इसको 10 साल में पे करें तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 58,000 के ऊपर का EMI बन रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा रकम है। तो हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम 20 साल का ही टेन्योर लेके चलेंगे। जी हाँ, 20 साल का टेन्योर लेके चलेंगे और 20 साल में जो हमारा EMI बन रहा है वो 38,000 के करीब में बन रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया 38,765 रुपए के करीब में बन रहा है। अब देखो, जो आपका लोन अमाउंट है 50 लाख का 0.25% आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब 50 लाख का 0.25% कितना हो गया? जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 12,500 रुपए के करीब में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है SIP के थ्रू। जी हाँ, 4 से 5 फंड आपको यहाँ पे तैयार करना है और एक सही एलोकेशन के साथ आपको 12,500 को म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे हर महीने पार्क करना है। अब आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जी हाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है अब 12,500 का हर महीने, और आपका जो EMI जा रहा है वो 38,765 रुपए के करीब। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऐड करूँ तो यहाँ पे जो आपका पैसा निकल के आता है 51,265 हर महीने आपका खर्चा है। 51,265 रुपए हर महीने आप खर्च करोगे तो आप अपना जो लोन अमाउंट है उसको आप सिर्फ 10 साल में कंप्लीट कर लोगे। चलिए अब मैं आप बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे है। जो हम यहाँ पे 12,500 SIP कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 14% के रेट ऑफ रिटर्न पे 10 साल का कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि हमारा जो फंड होगा वो 33 लाख के करीब में तैयार हो जाएगा। जी हाँ, 10 साल में 33 लाख रुपए के करीब में तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हम जो बात करें, जो आपका लोन चल रहा है जहाँ पे आप 38,765 हर महीने EMI के तौर पे कर रहे हो,
10 साल में उसका क्या स्टेटस होगा मैं आपको बता दूं, 10 साल में जो उसका स्टेटस होगा कि आपका टोटल जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 33 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्लोजिंग बैलेंस 33 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। तो 10 साल में, जी हाँ 10 साल में ईएमआई जो चल रहा है 38,700 समथिंग रुपए, वो तो आपने पे कर दिया, अब जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको भी पे करना है। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में जो भी आपका पैसा है उस पैसे को वहाँ पे रिडीम करके और एग्जैक्टली यहाँ पे आप पे कर सकते हो, यहाँ पे आप पे कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका 33 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है इसको आप क्लोज कर सकते हो। हाँ, मैं फिर से बताता हूँ कि जो आपका यहाँ पे ईएमआई जा रहा है 38,765 रुपए, वो हर महीने आपको पे करना है 10 साल तक। 10 साल में आपका 50 लाख का जो लोन होगा उसका जो बैलेंस बच जाएगा वो 33 लाख रुपए के करीब में मिलेगा। और शुरुआती दौर में जब हम होम लोन ले रहे हैं तो जो भी 50 लाख है उसका 0.25% आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, जो कि 12,500 होता है। 10 साल आपको एसआईपी के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल में आपका जो पैसा होगा वहाँ पे 33 लाख के आसपास खड़ा हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो लोन का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 33 लाख रुपए के आसपास होगा। तो आप 10 साल में उस म्यूचुअल फंड से पूरा पैसा निकाल के अपने होम लोन को पे कर दोगे और एग्जैक्टली आपका यहाँ पे लोन क्लोज हो जाएगा। अब देखो पूरा खर्चा क्या बनता है, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो आप देख सकते हो अगर हम 10 साल के लिए ईएमआई करते तो 58,000 के करीब में आपको ईएमआई पे करना पड़ता, लेकिन अगर हम लोन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 51,000 का ईएमआई यहां बन रहा है। और अगर यहां पे हम देखें कि कितना पैसा बच रहा है हर महीने, तो 6,790 रुपए के करीब में हर महीने हम बचा रहे हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू। अगर आप डायरेक्टली बैंक को ईएमआई पे करते, जी हां ईएमआई पे करते, तो वहां पे आपको 58,000 के ऊपर का पे करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमने इस स्ट्रेटजी के थ्रू सिर्फ 38,000 कुछ रुपए हर महीने ईएमआई के तौर पे किया, 0.25% जो टोटल लोन है उसका 0.25% यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया और 10 साल में हमने म्यूचुअल फंड से बहुत बड़ा रकम अचीव किया। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप जो इतना बड़ा होम लोन लेके चल रहे हो इसको आप इजीली पे कर सकते हो। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो होम लोन बहुत बड़े बड़े अमाउंट में यहाँ पे ले लिए और 20 साल 25 साल तक कवर करते हैं। देखो जितना ज़्यादा टेन्योर आप रखोगे, जी हाँ वो लोन अमाउंट काफ़ी बड़ा होता जाएगा। जहाँ आप 50 लाख का लोन ले रहे हो वहाँ पे 1 करोड़ रकम तक आप पे करना पड़ेगा, कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये काफ़ी बड़ा रकम होता है। तो ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब भी आप कोई भी लोन ले रहे हो, जो भी उसका टेन्योर हो, कोशिश करो कि उस टेन्योर को हम कम करें। जितना कम करोगे एग्जैक्टली आपको इंटरेस्ट उतना कम पे करना पड़ेगा और आपके ऊपर उतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। और 10 साल में जब हमने होम लोन कवर कर लिया तो जो आप होम लोन का पैसा दे रहे थे उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और आने वाले 10 साल में वो बहुत बड़ा रकम भी तैयार हो सकता है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ, जी हाँ, आप अपने बड़े से बड़े होम लोन को काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में पे कर सकते हो। लेकिन स्ट्रेटजी बनाने से पहले ये जरूरी है कि आपका सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन होना चाहिए और आपका जो पोर्टफोलियो हो वो वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए, काफी स्ट्रांग होना चाहिए। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।